बाइबल दूसरी शादी को जना करार देती है, होली कुरान में 70 हूरों का जिक्र है। मेरा पहला सवाल यह है कि उन 70 हूरों का आसमान पर क्या पर्पज है जो हमारे भाइयों को मिलेंगी? जितनी चीज का सब गलत, सब गलत, सब बकवास। नंबर वन, आप मुझे बताइए कुरान में कहां लिखे लगे बाइबल को मानना चाहिए? भाई साहब जवाब दो, अभी माइक्रोफोन ऑन है। बाइबल में किधर लिखा है कि एक शादी का? पढ़ो पढ़ो पढ़ो, 10 बार भी पढ़ेंगे तो किधर नहीं मिलेंगे आपको? जी सर, मैं रेफरेंस पढ़ना चाहता हूँ सर। हाँ रेफरेंस दो पहले, कौन सा रेफरेंस? मैथ्यू। सुनो 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 सुनो, आपने कहा था कि बाइबल में लिखा है एक ही शादी करना चाहिए, ये चाहिए मुझे सर। दूसरा कुछ भलता बोल के फिर बोलेंगे उसके मानी ये है तो लोग को बेवकूफ मत बनाओ, पढ़ो मैथ्यू 5:31। हाँ पढ़ो। जी सर, जो कोई अपनी बीवी को छोड़े उसे तलाकनामा लिख दे, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपनी बीवी को हराम करके सिवा किसी और सबब से छोड़ दे वो उसे जना कराता है, और जो कोई छोड़ी से भी हुई से ब्याह करे वो जना करता है। इसमें किधर लिखा है कि एक बीवी करना चाहिए बताओ सर? अगर आप लिखा इसके अंदर सर, यहाँ पे बात आप लोग का वक्त क्यों जाया कर रहे हैं? कुरान में लिखा है 70 हूर, कहाँ लिखा है? हवाला दो, हवाला दो कुरान का। सर कुरान में तो नहीं, लेकिन हमारे मुस्लिम भाई जो हमारे साथ रहते हैं चलते भाई को क्यों देखते हैं? इस्लाम समझने के लिए, इस्लाम समझने के लिए कुरान का मुताला करो, मुस्लिम भाई को मत देखो। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम शाहिद सलीम है और मैं बाइबल मुकद्दस का स्टूडेंट हूँ। इससे पहले मैं सवाल करूँ, मैं अपने ईमान को शो करना चाहता हूँ कि मैं उस सर मैं उस खुदा को मानता हूँ जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया। खुदा यीशु मसीह को जो कुंवारी मरियम से पैदा हुए, सलीब पर मुए, दफन हुए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और आसमान पर चले गए, मेरा ईमान है कि वो हमको लेने के लिए आएंगे। मेरा सवाल है आज का सर कि बाइबल मुकद्दस में सिर्फ एक शादी की परमिशन है और होली कुरान में 4 शादियों की परमिशन है, और मुस्लिम्स कहते हैं कि हमारा फेथ उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होता जब तक हम बाइबल पर ईमान ना रखें। ये उसी बाइबल की बात कर रहा हूँ जो असल वाली है, और बाइबल दूसरी शादी को जना करार देती है। होली कुरान में 70 हूरों का जिक्र है। मेरा पहला सवाल ये है कि उन 70 हूरों का आसमान पर क्या पर्पज है जो हमारे भाइयों को मिलेंगी? आपने कहा कि मुसलमान का ईमान है कि वो बाइबल में मानते हैं, ये बिल्कुल गलत है। कुरान मजीद में कहाँ लिखा है कि बाइबल को मानना चाहिए? अपने आप उनके सवाल में इतने गलतियां थे, मैं सवाल दोहराऊंगा, मुसलमान का ईमान है कि वो बाइबल में मानना चाहिए, लव बाइबल कुरान मजीद में है ही नहीं, नंबर वन। फिर उन्होंने कहा कि बाइबल में लिखा हुआ है कि एक शादी करना चाहिए, कुरान में लिखे लगा 4 शादी करना चाहिए, और फिर कहा कि कुरान मजीद में लिखा है कि 70 हूर, ये जितने चीज का सब गलत, सब गलत, सब बकवास। नंबर वन, आप मुझे बताइए कुरान में कहां लिखे है कि बाइबल को मानना चाहिए? कुरान में लिखा हुआ है कि इंजील, इंजील को मानना चाहिए, बाइबल नहीं। आपकी जो बाइबल है वो इंजील नहीं है। सॉरी सर, इंजील ही कह रहा था मैं अपनी तरफ से। आप जरा मेरा जवाब सुनेंगे? यस। और बीच में दखलंदाजी नहीं करेंगे? ओके सर। आपने सवाल पूछ लिया, आपका टाइम खत्म, ये डिबेटिंग सेशन नहीं है। आपने कहा बाइबल, बाइबल कुरान में मौजूद ही नहीं लफ्ज। इंजील को मानते हैं जो अल्लाह ने ईसा अलैहि सलाम पे नाजिल की गई थी। ये जो उनके पास है वर्ड बाइबल किधर से आता है? बाइबल आता है एक ग्रीक वर्ड बिब्लॉस से, बिब्लॉस, इंजील से नहीं, बिब्लॉस मतलब बुक ऑफ बुक्स। हमें बाइबल पे यकीन है कि वो अल्लाह का कलाम है। बाइबल पे अमल थोड़ी करना चाहिए, आज किधर लिखे लगा बाइबल पे अमल करना चाहिए? हमको ये यकीन रखना चाहिए कि इंजील अल्लाह का कलाम है। ये यकीन रखने की जरूरत नहीं कि इंजील को फॉलो करो। इंजील पे ये यकीन रखना चाहिए कि वो अल्लाह के तरफ से वही थी, अल्लाह का कलाम है जो ईसा अलैहि सलाम पे नाजिल किया, हम इस पर यकीन रखते। ये प्रेजेंट बाइबल जो आपकी है वो बिब्लॉस है। आपको पता है कितने किस्म के बाइबल है? आपको पता है? अभी आप जवाब दो, पता है कितने किस्म के बाइबल है? जवाब दो।
कितने किस्म के बाइबल है सर? ट्रांसलेशंस की बात कर रहे हैं आप? बाइबल ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट सर, वो तो एक ही है। आपको इल्म ही नहीं है, अफसोस की बात है। देर आर 24,000 मैन्युस्क्रिप्ट, 24,000 मैन्युस्क्रिप्ट है बाइबल की, और कोई भी दो आइडेंटिकल नहीं है। आपको इल्म ही नहीं है। मेरे लाइब्रेरी में इंडिया में 200 से ज्यादा वर्जन द बाइबल है, ट्रांसलेशन है। वर्जन, वर्जन मतलब ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट डिफरेंट है। मिसाल के तौर पे किंग जेम्स वर्जन, न्यू इंटरनेशनल वर्जन, डुए वर्जन, न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन, 2,000 किस्म के बाइबल है। मेरे लाइब्रेरी में 200 से ज्यादा है। आपको इल्म ही नहीं है और आप सवाल पूछने आते जैसे आप पादरी है। अफसोस की बात है, आपका इल्म ही नहीं है। जितने सवाल आपने किए तीनों सब में खता थी। नंबर वन, बाइबल लफ्ज़ कुरान में नहीं है। नंबर टू, काबिल निकला कि बाइबल पे अमल करो। ये ईमान रखो कि इंजील अल्लाह का कलाम है। हम मुसलमान मानते हैं कि इंजील अल्लाह का कलाम है, लेकिन जो बाइबल आज है वो इंजील नहीं है, वो मिलावट है। अल्लाह का कलाम होगा कुछ चीज़ जो कुरान से मिलती है, हमें कोई इतराज़ नहीं। पैगंबर का कलाम है, हिस्टोरियन से पोर्नोग्राफी है, पोर्नोग्राफी। जैसे मैंने पहले भाई को कहा, अगर आप मुझे 1 अरब रुपया भी देंगे तो मैं एज़ेकिल चैप्टर 24 पढ़ ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो पोर्नोग्राफी है। तो पहला आपका जो सवाल था, सवाल के पहले आपने कहा कि बाइबल कुरान में लिखा है कि बाइबल को मानो, बिल्कुल गलत है, उसका जवाब दे दिया। दूसरा सवाल, दूसरा आपने कहा कि बाइबल में लिखा है कि एक शादी करना चाहिए। मेरा चैलेंज है, आप बताओ किधर लिखेला है बाइबल में एक शादी करना चाहिए? रेफरेंस दो, आप झूठ बोल रहे। आप रेफरेंस दो, किधर लिखा है बाइबल में कि एक शादी करना चाहिए? उसका माइक्रोफोन खोलो, रेफरेंस दो। कौन से बाइबल के रेफरेंस में लिखा एक शादी करना चाहिए? भाई साहब, मैं रेफरेंस पूछ रहा हूँ, आपके पास रेफरेंस? बाइबल में किधर भी नहीं लिखा है कि एक शादी करना चाहिए। भाई साहब जवाब दो, अभी माइक्रोफोन ऑन है। बाइबल में किधर लिखा है कि एक शादी का? पढ़ो पढ़ो, आप पढ़ो, तहकीक करो, 10 बार भी पढ़ेंगे तो किधर नहीं मिलेंगे आपको? जी सर, मैं रेफरेंस पढ़ना चाहता हूँ सर। हाँ, रेफरेंस दो पहला, कौन सा रेफरेंस? मैथ्यू। सुनो 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 सुनो, आपने कहा था कि बाइबल में लिखा है एक ही शादी करना चाहिए, ये चाहिए मुझे सर। तो दूसरा कुछ भलता बोल के फिर बोलेंगे उसके मानी ये है, तो लोग को बेवकूफ मत बनाओ। पढ़ो मैथ्यू। सर मैथ्यू चैप्टर 5 और वर्स है 31, ये भी लिखा था, लिखा है। मैं खोलता हूँ जरा, नेट चल रहा है क्या? बाइबल बाइबल मैथ्यू 5 वर्स 31। हाँ पढ़ो पढ़ो। जी सर, जो कोई अपनी बीवी को छोड़े उसे तलाक नामा लिख दे, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपनी बीवी को हराम कारी के सिवा किसी और सबब से छोड़ दे वो उसे जना कराता है, और जो कोई छोड़ी से भी हुई से ब्याह करे वो जना करता है। इसमें किधर लिखे है कि एक बीवी करना चाहिए, बताओ सर? अगर आप लिखा इसके अंदर सर, यहाँ पे बात आपका, आप लोग का वक्त क्यों जाया कर रहे हैं सर? कॉन्टेक्स्ट ये बता रहा है कि दूसरी शादी करेगा तो वो जना करेगा। अगर अपनी बीवी को डिवोर्स देगा, अने डिवोर्स देना ईसाइत में हराम है, सिर्फ उस वक्त डिवोर्स दे सकता है जब वो किसी दूसरे के साथ जिना करती है। इसका मतलब नहीं कि एक शादी करना चाहिए। आप क्यों गलत बयान कर रहे? आप जब नहीं जानते उर्दू, अंग्रेजी नहीं जानते, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे? It has been said of the old times. और ये मैं चोरी साहब इधर ले आओ, ये जो बाइबल का है, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 31, इट हैज बीन सेड ऑफ द ओल्ड टाइम्स दैट हूसोएवर थाउ शैल नॉट डिवोर्स हिज वाइफ, हूसोएवर डिवोर्सेस हिज वाइफ अनलेस इट बी फॉर फॉर्निकेशन हैज ऑलरेडी कमिटेड एडल्ट्री। मतलब तलाक देना ईसाइत में हराम है। अगर आप डिवोर्स देंगे अपने बीवी को,
और दूसरी से शादी करेंगे तो जिना है, सिर्फ अगर उसने जिना की तो। तो ये डिवोर्स के बारे में किधर निकला कि एक शादी करना चाहिए? पूरी बाइबल पढ़ो, किधर भी नहीं निकला कि एक शादी करना चाहिए। अगर आप कितने भी मजहबी किताब पढ़ो, हिंदुइज्म की, क्रिश्चियनिटी की, जुडाइज्म की, कोई भी मजहबी किताब में नहीं लिखा एक शादी करना चाहिए, सिर्फ लिखा है कुरान में। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 3 में, आप अपनी पसंद की बीवियां करो, 2, 3 या 4, लेकिन अगर आप आपस में अदल नहीं कर सको तो सिर्फ एक। ये सिर्फ एक सिर्फ कुरान में है, कुरान मजीद के अलावा कोई भी मजहबी किताब में नहीं है। आप बोलते कुरान मजीद में लिखा 4 बीवी करना चाहिए, आप वो कुरान मजीद की आधी आयत कोट कर रहे, पूरी आयत में लिखा है आप अपनी मन पसंद बीवियों से शादी कर सकते, चाहे 2 हो 3 हो या 4 हो, लेकिन अगर आपस में अदल नहीं कर सकते तो सिर्फ एक, सिर्फ एक। मतलब इस्लाम में एक से ज्यादा बीवी करने की इजाजत है, 2, 3 मैक्सिमम 4, लेकिन अगर एक से ज्यादा बीवी रखते हैं तो आपको आपस में अदल करना चाहिए। इसके ऊपर तो मैं तफसील से बात किया हूं, अभी वक्त नहीं है। तो ये भी आपकी गलत फहमी है, नंबर 1 बाइबल और इंजील सेम नहीं है। कुरान में कहीं नहीं लिखा लगा बाइबल पे ईमान लाओ, इंजील पे ईमान लाओ, क्या वो अल्लाह की वही है ईसा अलैहि सलाम पे नाजिल की। पॉइंट नंबर 2, कुरान बाइबल में कहीं लिखा ही नहीं कि एक बीवी करो, ये गलत बोल रहे आप। और कुरान में लिखा हुआ है कि आप शादी कर सकते 2, 3 या 4, अगर अदल नहीं कर सकते तो सिर्फ एक औरत से। तो तीनों आपके गलत। चौथा सवाल, कुरान में लिखा है कि 70 हूर, कहाँ लिखा है? हवाला दो कुरान का। सर कुरान में दोनों, लेकिन हमारे मुस्लिम भाई जो हमारे साथ रहते हैं, तो चलते मुस्लिम भाई को क्यों देखते हैं? इस्लाम समझने के लिए कुरान का मुताला करो, मुस्लिम भाई को मत देखो। मैं अगर ईसाई का मुताला करने के लिए आपको देखे लगूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए तो मैं जानता हूँ ईसाई मजहब क्या है, मैं आपको देख के थोड़ी ईसाई मजहब समझ रहा हूँ। मैंने तकरीर में कह चुका हूँ, मजहब समझने के लिए मजहब की किताबों का मुताला करो। आप किधर भी किसकी भी बात आके बड़े मजमे में सवाल करते 50,000 लोग के बीच में, कम से कम तहकीक तो करो सवाल करने के पहले। चारों चीज आपने गलत की, ये बात सही है उसका जवाब अब मैं दे चुका हूँ। ये हदीस में लिखा है वो अलग चीज़ है, कुरान में नहीं लिखा है, उसका जवाब मैं दे चुका हूँ।